देखो, मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना चाहती, पर मैं खुद को मार डालने वाली हूँ। मैं चाहती थी कोई जान ले, लेकिन मैं नहीं जानती क्या करूं। सोच रही हूँ ब्रिज से कूद जाऊं, या किसी ट्रक के सामने कूद जाऊं, या ओ हॉल के सामने आ जाऊं। बस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती लोगों के सामने तमाशा हो, पर गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। इतनी बड़ी हो कि टक्कर लगते ही मर जाऊं, सब खत्म। क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गई तो जिंदगी भर नर्स का खर्चा उठाना होगा, और फिर पता नहीं क्या होगा। कोई मेरा ध्यान क्यों रखना चाहेगा? हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वाओ, तुम कितना बोलती हो नदीन। काश मैं तुम्हें कुछ सलाह दे पाता। मैं भी दरअसल अपना सुसाइड नोट लिख रहा था अभी अभी। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे पास खुशी के बस 32 मिनट होते हैं लंच टाइम के दौरान, जो हर बार वो नालायक हरामी लड़का खा जाता है। इसी तरह से इन लोगों का सामना करने से अच्छा मैं आखिरकार ये सोचता हूँ कि इसका सामना करने से अच्छा मैं खुद को ही खत्म कर दूँ। मैं परेशान हूँ और सच में ऐसा करना चाहता हूँ। सुकून महसूस होगा। मेरे बिना सुकून से रहना हराम खोरो। अगर मैंने सुसाइड किया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। शुरू से शुरू करती हूँ। दूसरे ग्रेड में मैंने रियलाइज किया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंट होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, और जो लोग सिर्फ उम्मीद के भरोसे चलते हैं वो हमेशा धक्के खाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मेरा भाई डेरियन हमेशा से ही विनर था, और उसके कई फैंस भी थे। बाय। पर उसकी सबसे बड़ी फैन कौन थी? मेरी माँ। बाय स्वीट हार्ट। देखो मैं जीत गया आज, ये देखो रेस। ठीक है मेरे बच्ची, रात में मिलते हैं। नैडीन, हम ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। तुमने प्रॉमिस किया था, अब बाहर निकलो। बस अब बहुत हुआ। पापा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हम दोनों को संभालना जो था। ठीक है अभी, मुझे पता है बच्चे नादानी करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम पीछे मत हटना। काश आप हमारे जैसे होते, कम से कम मैं आपके साथ खाना खा सकती थी। स्कूल में 3 लड़कियां थी जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम बहुत बुरी हो, और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनने वाला। बचपन में मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अब मैं किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब बस बहुत हो चुका। और फिर अचानक से एक परी आ गई। मुझे थोड़ी जगा दोगी प्लीज? वो एक बूढ़े आदमी जैसे कपड़े पहनकर आई थी, और उससे कैंडी की खुशबू आ रही थी। क्या तुम इसे पकड़ना चाहोगी? लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगाना। हाय बटी, तुम चाहो तो तुम भी इसकी देखभाल कर सकती हो। सच्ची? मैं भी तुम्हारी छोटी माँ हूँ और तुम्हारा ध्यान रखूंगी। पर 2 घंटे बाद गलती से मेरे पेंसिल बॉक्स में आने की वजह से वो मर गया। पर कम से कम मैंने अपना पहला दोस्त तो बनाया। हम एक दूसरे से ऐसी बातें कहते थे जो हमारी सोच से बाहर थी,
एक बार मेरे दादाजी का पैजामा गलती से खुल गया था और उन्होंने अंदर कुछ नहीं पहना था, मुझे शर्म आ गई। मुझे माँ को दवाइयाँ देनी है, नहीं तो वो नाराज होकर मॉल में बेफिजूल शॉपिंग करने चली जाएंगी। सच बोल रही हूँ। देखो ये पुडिंग बहुत टेस्टी है। तुम्हें पता नहीं मेरी हर चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं। मैं कौन हूँ, तुम्हारी माँ हूँ कि तुम्हारी हर चीज़ का ध्यान रखूँ? लेकिन हम सब एक दूसरे का सहारा थे। हम इस पेंगुइन के साथ खेल सकते हैं या इसके साथ। वाओ कितना मजा आ रहा है, मुझे अभी और करना है। जिंगल ऑल द वे। ओह माय गॉड, मुझे पता था। सिर्फ बाल ही वैसे है, ये खराब नहीं है, चाहो तो तुम बढ़ा सकती हो। आप मेरी बात सुन भी रहे हो? ए हटो यहाँ से, मुझे सुसु आई है। दूसरी तरफ डेरियन दिन बर दिन हैंडसम होता गया और वो ये अच्छे से जानता था। उस रात मैं पापा के साथ बर्गर खरीदने गई। मेरी लाइफ में अच्छा क्या ही हो रहा है, बताइए क्या अच्छा हो रहा है? तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, तुम्हारे पास में प्यार करने वाले लोग हैं, तुम्हारे पास में मैं हूँ और अब तुम चीज बर्गर खाने वाली हो। ओहो वो देखो, कहा था ना मैंने चीज बर्गर। हाँ बिल्कुल, क्या आपको चाहिए? ओके, वो बिली जॉय का गाना है, तुम चाहो तो उसको बदल सकती हो। पापा, पापा आप ठीक हैं? पापा, 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 शायद मेरी बात सुनकर अब आप सभी उदास हो जाओगे, तो अगले कुछ साल हमारे लिए बहुत ही खराब थे। ओह गॉड, सिर्फ एक चीज अच्छी थी, मेरे साथ क्रिस्टा थी। ये पिछले फ्राइडे की बात है। देखो मुझे, मैं कितने अच्छे मूड में थी। मुझे स्पॉयलर्स पसंद हैं। हाँ मुझे बताओ ना, फिर देखने की जरूरत नहीं होगी। मैं जान जाऊंगी क्या हुआ था, फिर आगे बढ़ूंगी। ओके, मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। मुझे पता था वो शादी कर लेते हैं। यस, वो वाह, वो कितना हैंडसम हो गया है ना। ओह गॉड, मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो पेटलैंड में काम करता है। तो मुझे वहां जाना चाहिए, बस बात शुरू करूंगी। एक्सक्यूज मी, बेटा फिश कहाँ मिलेगी? और क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? तुम नहीं, तुम नहीं। गॉड, वाओ, सोचो अगर तुमने ऐसे किया तो सच्ची में तुम उसके साथ डेट पे गई तो मुझे अच्छा लगेगा। सभी मछलियां हमें देख रही होंगी, बहुत मजेदार होगा। ओह माय गॉड, मेरे बेवकूफ भाई ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ओह, उसकी टी शर्ट थोड़ी अजीब दिख रही है। उसे कैसे पता नहीं चलता कि सब उसे देख रहे हैं? मैं अपने बॉडी को लेकर बहुत कंसर्न्ड हूँ। कितने घंटे वर्कआउट करता है? उसे ओसीडी कहते हैं। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो काफी गुस्सैल था क्योंकि मॉम उसे क्रिएटिन नहीं दिलाती थी क्योंकि किडनी पर असर हो सकता था। मैं उसे कहती थी मुझे पता है डुरायन, मैं बस चाहती हूँ तुम अपने हाव भाव से लोगों का दिल जीतो। तो बस एक वार्निंग, कल जब आप लेक्चर दे रहे थे आप बस
चले जा रहे थे, फिर आपने कहा नॉट सक्सीडेड फ्रॉम द यूनियन। कहने का मतलब ये कि साउथ जीत गया। आपने गलती से उल्टा कहा था। मैं आपको टोकना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं बस इतना ही कहने आई थी। ओ हाँ हाँ, तेज हो तुम। हाँ। अब मुझे पता है लेक्चर काफी लंबा था और तुम्हें सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन एक पल के लिए भी क्या तुमने ऐसा सोचा कि हे भगवान, ऐसे जिंदगी के लिए हमने ऐसा क्या किया है? नहीं, मैं बस पूरा समय आपकी गलतियां गिनने में बिजी थी तो। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, मैंने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है, समझ आया? अच्छा, हे हे, तुम्हारा स्वेटशर्ट काफी अच्छा है, सूट करता है। थैंक यू। कहाँ से खरीदा इसे? ये स्वेटर, स्वेटशर्ट? पता नहीं, एक्चुअली याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं। हाँ? पता नहीं मैंने ये सवाल क्यों पूछा। उसका नाम क्या है? अरविंद किम। मैं उसे नहीं जानती। तुम्हें पसंद आएगा, वो बहुत क्यूट है। तो तुम उसके साथ डेट पे जाना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यूट है तो बस उसे हर जगह साथ ले जाना चाहूंगी। ओ ओ, गुड 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 गुड, तुम मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। ओ, तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लगी? खराब है क्या? मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे खास अच्छी नहीं लगी, नहीं समझ आ रहा। अच्छा, मेरे ये हाथ बहुत खराब लग रहे हैं क्या? नहीं। तुम्हारे जवाब पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब मैं नर्वस हो रही हूँ नाडीन। आपके हाथ खूबसूरत लग रहे हैं, कहाँ जा रही हैं? सॉरी, मुझे जाना होगा, ब्रेंट ने मुझे बुलाया है, वो जो डेंटिस्ट है, और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वीकेंड पर मैंजनीटा जाना चाहती हूँ, और मैंने सोचा क्यों नहीं, कभी कभी अपने बारे में सोचना चाहिए, तो मैं बस जा रही हूँ। क्या वो वही shaadi.com वाला लड़का है? आप जाना चाहती हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। वेरी फनी, मैं संडे वापस आ रही हूँ। ओके, सरप्राइज देने जरूर आऊंगी। ओ, मैंने ड्यूरियन को कॉल करने की कोशिश की, शायद वो AP स्टडी ग्रुप में बिजी है। मैं उसे बता दूंगी। अच्छे से रहना। क्या? डेब्स, 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 डेब्स। अरे तुम क्या कह रही हो? मॉम अपने डेंटिस्ट बॉयफ्रेंड के साथ 2 दिनों के लिए गई हैं, तो घर पर अब मेरा राज है। बाय। तुम सच में पागल हो, कुछ भी कहती हो। मॉम अपने डेंटिस्ट बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होंगी, सोचो जरा, मॉम उनके साथ छुट्टियां मना रही होंगी, घूम रही होंगी। Oh my god, I love you. तुम्हारे दांत अच्छे हैं। वो तुम्हारा नाक। तुम मेरी नाक मत खींचो। No way. वो क्या बात है? तुम कहाँ जा रही हो? Darian. Wow, come on. Darian. बढ़िया। तुम्हें इन सबको पूल से निकालना होगा। एक्सक्यूज मी, तुम सबको अभी यहाँ से निकलना होगा। बाय बाय। है, तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा है। तुमने कहा था सॉकर के गेम तक तुम दारू को हाथ नहीं लगाओगे, तुम हार गए। मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, ये ऑरेंज जूस है जीनियस, इसने कितनी पी रखी है। मैंने एक ही पैक पिया है, समझे तुम? अब अपने दोस्तों को पूल से बाहर निकालो। नहीं। ठीक है, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। चलो चलो ऊपर चलो, हम बात करते हैं। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तुम पागल हो चुकी हो। बीप 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 बीप, मैं बुला रही हूँ ऑपरेटर। हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद चाहिए? मेरा भाई मुझे सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है। मैं ऐसी क्यों हूँ? तुम मुझे कैसे झेलती हो? तुम ऐसे क्यों हो? बस करो। मैं खुद को पसंद भी नहीं करती। कल मैंने वॉइसमेल में खुद की आवाज सुनी। मैंने खुद से कहा
ये आवाज कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तुमने आज बहुत पी है, शांत रह जाओ। मुझे अपनी शक्ल भी नहीं पसंद, जिस तरह से बात करती हूँ, जैसे च्युइंगम चबाती हूँ। मुझे कभी च्युइंगम मत देना चबाने के लिए। और फिर आया सबसे बुरा ख्याल, मुझे सारी जिंदगी खुद के साथ ही बितानी है। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। तुम्हें सुबह अपने बेड पे नहीं उठना, क्या तुम यही सोने वाली हो? तुम यहाँ नहीं सो सकती, चलो बेबी। Hey, सुनो ना, तुम्हारे पास एस्पिरिन होगी? शायद उसमें होगा, उसमें देखो। अरे तुम ये सब मत करो। नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ? किसी ने बैक्स्टर को अंदर छोड़ दिया और उसने खिली कर दी। प्लीज मेरी और एक मदद कर दो ना, वो पेपर टॉवल्स देना जरा। अब आ ही गई हो तो साफ भी कर दो ना। ठीक है। मैं नहीं जानती ये कैसे हो गया, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पता है क्या हुआ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं नहीं जानती। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। तुम ठीक तो हो ना? मैं बस सोच रही थी। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। नीडीन, तुम बिना कुछ बोले ऐसे नहीं जा सकती है। नीडीन देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एंड आई लव यू। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, समझ गए? मेरे दोस्तों से दूर रहा करो तुम। तुमने अभी क्या कहा, दोस्तों? इतने बड़े हो गए हो पर दिमाग घुटने में ही है, कितने भद्दे लगते हो। मिस्टर बर्ना, मैं कल रात को होमवर्क नहीं कर पाई अपना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप जानते हो या नहीं, लेकिन मेरे पापा गुजर गए। इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब कब हुआ? सॉरी, कब गुजर गए? 2011। तो ये बहाना सिर्फ एक साल तक वैलिड है, उसके बाद नहीं।
दूसरे बहाने भी होंगे? दूसरे बहाने भी होंगे, तुम्हारे दादा दादी भी होंगे ना तुम्हारे आसपास में। बैठ जाओ। ओके क्लास, हमारे जवान मिस्टर लिंकन। मजे करो। तुम्हारा वीकेंड कैसा था? उतना कुछ खास नहीं था। हाँ अच्छा, तुम्हारा वीकेंड कैसा था? ओह मैंने गोल्फ खेला, मतलब मिनी गोल्फ। हाँ मिनी गोल्फ। मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों किया, मैं उठा लेता हूँ। टिम्स फन पार्क पर? हाँ मुझे वो जगह पसंद है। हमें जाना चाहिए वहाँ। हाँ जाना चाहिए, लेकिन लोग साथ हों तो मजा आएगा। मतलब बहुत सारे लोग साथ हों तो, मतलब लोग। कई सारे लोग या सिर्फ हम? मतलब सिर्फ मतलब हम? शायद हमें हाँ, हाँ, ग्रुप में। हाँ ग्रुप, सही कह रहे। हाँ ग्रुप में। हाँ अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में मिलता हूँ। हे हाय। देखो मैं बस कहना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। उस रात जो हुआ वो बस ठीक है। सॉरी वो सब कुछ तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो मेरी गलती है क्योंकि दिस इज द टाइम। अच्छा चलो हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं कहीं, बाद में मिलते हैं कभी दूसरी हाँ, जगह ठीक है। तुम्हारे साथ वक्त अच्छा बीता। मुझे भी। मुझे माफ कर दो। अब ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा वो सब बहुत अजीब था, वो बहुत अजीब फीलिंग थी। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं तुम समझो मेरे लिए कितना अनकंफर्टेबल है। मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ किया होता तो, अगर मैं तुम्हारे डैड को लाइक करती, अगर मैं तुम्हारे डैड को डेट करती तो। ओह लुइस वाओ, तुम अपने बेल्ट फोन के साथ इतने हॉट लगते हो। वाओ शांत हो जाओ। तुम्हारी जल्दी आ गई। क्यों तुम उसे पसंद करती हो? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है तुम्हें, लड़कियों का ऐसा ही होता है, कुछ पल तुम उसके साथ ही और अब तुम उसे पसंद करती नहीं। हो। क्या तुम किसी वजह से मुझसे नाराज हो और उस वजह से तुम मुझसे बदला ले रही हो? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे, हम फिगर आउट कर लेंगे। मुझे बताओ, पर हम इसे फिगर आउट जरूर करेंगे। बस भी करोगी? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? प्लीज I'm sorry. उसने फ्राइडे को मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया था और मैं चाहती हूँ तुम हमारे साथ चलो। मतलब तुम उसके साथ जाओगी और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? देखती हूँ फ्राइडे फ्री हूँ या नहीं। ठीक है।
आने के लिए शुक्रिया। क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों को जो करना है वो बाद में भी कर सकते हो। कभी तो अपनी उम्र के लोगों की तरह बात करो। तुमसे तो अच्छे ही हूँ डेरियन। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ। What's up? ये है क्रिस्टा। हाय। मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। Oh my God, मुझे तुम्हारा ड्रेस बहुत पसंद आया और वो नेकलेस भी बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे बियर पॉन्ग खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं ज्यादा किसी को जानती नहीं हूँ लेकिन हाय, क्या तुम हमारे साथ बियर पॉन्ग खेलने चलोगी? इतनी वियर्ड मत बनो, तुम इतनी ऑकवर्ड क्यों हो रही हो? गॉड, बस एंजॉय करो, रिलैक्स करो, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, हैव अ गुड टाइम, जाओ। ओके, ठीक है, ग्रेट, हाँ, परफेक्ट। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ। मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। हे, तुम डेरियन फ्रैंकलिन की बहन हो ना? हाँ। तुम टीवीएस देखती हो? कभी कभी। एक पुरानी मूवी है जो उस पर आती है, उसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है और एक छोटा सा टकला आदमी है, इट्स ऑलवेज सनी से, वो लोग उसमें जुड़वे बने हैं। उसमें सिर्फ आर्नोल्ड हॉट और हैंडसम है। हाँ, और बाकी लड़के छोटे और फनी है उसमें। हाँ, मतलब ट्विन्स। हाँ, मुझे वो मूवी बहुत बहुत अच्छी है, मूवी बहुत अच्छी है। तुम और तुम्हारा भाई मुझे वही मूवी याद दिलाते हो। हाय, मुझे पिक करने आ जाओ। कैसा था? ये आज तक का सबसे खराब एक्सपीरियंस। अरे, तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे साथ क्या हुआ। सॉरी, मैं खतरनाक लग रही हूँ। क्या हुआ? तो वो डेंटिस्ट, मैं घर पर ही थी, वाइन पीते रिलैक्स कर रही थी और मुझे एक ईमेल आया उसकी बीवी से। मैं डॉक्टर हिल को कॉल करने ही वाली थी कि मैंने सोचा नहीं मोना, तुम्हें ये सिचुएशन खुद ही हैंडल करना होगा। तुम 2011 से सब कुछ खुद करती आ रही हो तो ये भी तुम कर सकती हो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक लूजर हूँ। आप लूजर नहीं है। ऐसा लग रहा है आप लूजर नहीं है मॉम। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप अपने काम में अच्छी हैं, आपकी आईब्रोज कितने अच्छे हैं। अगर आप दोनों साथ होते तो हे, तुमने आज फ्लॉस किया, तुम्हें पता है गम डिजीज अपने आप में मौत का न्योता होते। पता है आज रात मैं क्या करने वाली हूँ? क्या? पहले घर जाऊंगी, अपने बाल बनाऊंगी, अच्छे से मेकअप करूंगी, अपना बेस्ट ड्रेस पहनूंगी, फिर सब उतारूंगी और सो जाऊंगी। बढ़िया।
हे निक, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, शायद तुमने स्किप किया। कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक ईमेल नहीं भेजता, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देती तुम कितने बेकार हो। हेलो। हाय, मैं नैटनी, हिस्ट्री क्लास से, याद है क्या कर रहे हो? हाय, मैं बस हे तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, मतलब तुम ठीक हो? सब ठीक है, कूल? हाँ, व्हाट्सएप, सॉरी मैं ही बोले जा रहा हूँ। तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? हे, टिम्स थीम पार्क देर रात तक खुली है आज, वहाँ मिलें आज। तो उन्होंने पार्टी कैसे कैंसिल कर दी? कैंसिल मतलब मैं जल्दी निकल गई। ओह, समझ गया। थैंक्स ड्राइव करने के लिए, बाय द वे मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मतलब कोई आपको ड्रॉप करे अच्छा लगता है। पता नहीं खुद से काम करने के कॉन्सेप्ट को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताते हैं। मजाक था, मैं टेस्ट में फेल हो गई। हेलो। तुम फोन उठा लो। नहीं कोई बात नहीं। हे, वो देखो, फेरिस व्हील पर जा सकते हैं। ठीक है। अपने बारे में कुछ बताओ अविन। ऐसा कुछ जो कोई नहीं जानता, तुम क्या करना चाहते हो, सब कुछ बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरे कोई खास सपने नहीं है शायद। अच्छा, लेकिन अगर तुम खुद के बारे में कुछ बताना चाहते तो क्या बताते दूसरे को? अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे डैड, मैं गेस करती हूं, देखती हूं कि मैं साइकिक हूं या नहीं, तो मैं बताती हूं। तुम्हारी मॉम तुम्हारे ग्रेड्स और असाइनमेंट्स को लेकर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। वो बहुत अच्छी है, एक सैंडविच बनाती है और वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। तुम्हारे डैड शांत हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वो कभी आई लव यू नहीं कहते। आई होप मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। आई होप मैं कुछ ज्यादा गलत नहीं बोल गई, मुझे लग रहा है मैंने गलत बोला। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। आई एम सॉरी, शायद टाइमिंग गलत है। मुझे लगा था कि टाइमिंग अच्छी है क्योंकि हम फेरिस व्हील पर हैं और तुम अपसेट हो। क्या तुम अनकंफर्टेबल हो? हमें उतरना चाहिए। फिर तो हमें उतरना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा। हे, एक्सक्यूज मी, हमें उतरना है। क्या प्लीज ये राइड रोक सकते हैं? ये राइड प्लीज रोक दीजिए। आई एम सॉरी, मैं रूडली बात करना नहीं चाहता था। ओह माय गॉड, तुम भी ना। रुको 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 रुको। वाओ वाओ, तुमने कर लिया। मैंने कर लिया। और बिना मदद के किया तुमने। हमने कर दिखाया। हमने कर लिया। होली क्रैप, किसी ने नहीं देखा। हम सेफ है, हम निकल रहे हैं। आज की रात सच में मजेदार थी। आई एम सॉरी अगर फेरिस व्हील पर मैंने तुम्हें अपसेट किया हो तो। नहीं, मेरी टाइमिंग खराब थी। इस वक्त मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा, काफी लंबी कहानी है। आई एम सॉरी तुम्हारा बुरा समय चल रहा है। तुम बहुत अच्छे हो अविन। नहीं, आई एम सीरियस, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम में एक एक बूढ़ा आदमी दिखता है। बूढ़ा? तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, तुम्हें देखकर एक प्यारा सज्जन और समझदार इंसान दिखता है, जैसे बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल के किसी कोने में व्हील चेयर पर। थैंक यू। हाय। हाय। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें पिंग पोंग खेलने में डीच कर दिया। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, मुझे पता है तुम नाराज हो नीदीन, और नीदीन
तुम्हें पता है इस वीकेंड पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है। ओह माय गॉड शैनन, तुम्हारा आउटफिट कितना क्यूट है, आई लव इट। हाँ ठीक है। और तुमने मुझे इग्नोर किया, मैं बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया है, यू नो व्हाट, मेरी बात सुन तो लो। क्योंकि उसके कमीने दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे जब डेरियन को तुमसे हॉट लड़की मिलेगी। तुम्हें कुछ नहीं पता निदीन। देखो मुझे कुछ जानना ही नहीं है, आई एम सॉरी, पर ये जरूर होगा। सॉरी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे प्रपोज किया है प्रॉम पे चलने के लिए। नहीं। हाँ उसने किया, उसने मुझे अभी पूछा। ये नहीं हो सकता, तुम्हें चुनना होगा, या तो वो या मैं, चुनो। नहीं मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं चुन सकती। या तो मैं या वो, तुम उसके साथ रहोगी निदीन, या मेरे साथ, चॉइस नहीं है मुझे, निदीन, किसके निदीन, साथ, वो या मैं नहीं चुन सकती। सब खत्म हो गया, दोस्ती खत्म। ठीक है। नदीन, नदीन। उठो, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, कामयाब रहा, काफी मुश्किल भरा था लेकिन कामयाब रहा। हे उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दिन अच्छा हो। हे बेल बज चुका है, अब तुम्हें जाना होगा। हाँ एक बात कहूँ, उसे इग्नोर करो, तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम दोनों अपना झगड़ा आपस में सुलझा लो। कुछ हफ्तों में पापा को गए 4 साल हो जाएंगे। हम जब घर वापस आ रहे थे मुझे सब कुछ याद आ गया। उस रात जब पापा गुजर गए, जब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। तुम इतना रो रहे थे, तुम्हारा तकिया तक गीला हो चुका था। वो देखकर मुझे बुरा लगा। मैं उठी, अपने कमरे में गई और तुम्हें अपना तकिया दिया और गीला तकिया खुद ले लिया। काश तुम भी मुझे उतना प्यार करते। नालायक। नहीं नहीं, ए, इस वक्त ये कहानी सुनाने का क्या मतलब बनता है? तुम कितनी मेस्ड अप हो? इस टॉपिक को डिस्कस करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? ओह आई एम सॉरी, तुम्हें अपने अलावा किसी और की बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? यही सच है, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। भगवान, बच्चों की तरह हर चीज तुम बिखेर के रख देते हो। हे एवरीबॉडी, सब लोग सुनो, पता है मैं आज भी बेड पर सुसु करता हूँ। हाँ, तुम्हें समझ भी आता है किसी और को चाहना कितना मुश्किल होता है? तुम जबरदस्त ड्रामेबाज हो। ओके कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, बात को समझो। कसम से मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। अरे अपनी बकवास बंद करो, तुम शांत हो जाओ। नदीन बस करो, क्या हो गया है तुम दोनों को? मुझे पता है तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। आप कुछ नहीं जानते। हाँ मुझे पता है, क्रिस्टा और डेरियन का रिश्ता चल रहा है। तुम दोनों को लगता है मुझे कुछ नहीं पता, पर पता है। मैं जा रही। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। कहाँ जा रही हो? मैं वॉक के लिए जा रही हूँ।
वापस आ जाओ। अरे नहीं डैरियन। छोड़ो ना, कोई बात नहीं माँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? घर को हमेशा जंग का मैदान बनाना जरूरी है क्या? अब मैं क्या कहूँ इस पर? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। मैं इसे जंग का मैदान नहीं बना रहा हूँ माँ, वो बना रही है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनती, तुम सुनते हो। तुम जो करोगे सही करोगे, मैं जानती हूँ। मतलब अब ये ड्रिंक ही देख लो जो तुम बना रहे हो। आपके लिए भी बना दूं? ओह, मैंने कोई पुण्य किया होगा जो तुम जैसा बेटा मिला। हाँ कैट लिटर कहाँ है बता सकते हो? एट शायद। तुम लेक वोट जाते हो ना? कभी कभी। मैंने तुम्हें देखा है पर तुमसे कभी बात नहीं कर पाई। फ्रेशमैन? जूनियर। मुझे कैट लिटर नहीं चाहिए, मैं बस मुझे नहीं पता मैंने ऐसे क्यों कहा, मेरे पास तो बिल्ली तक नहीं है तो मैं। तुम्हारे शूज अच्छे हैं, मुझे जाना होगा। ओके। तुम दूसरा पहलू भी सोच सकती हो, मतलब हो सकता है वो शादी करेंगे और फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड परिवार का हिस्सा होगी। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। पर मुझे बुरा लगता है कि आजकल तुम लोग साथ स्कूल नहीं जाते, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। आप कुछ नहीं बोलेंगी? देखो मैं हर दिन तुम्हें नहीं ड्रॉप कर सकती, मैं फ्रीवे पर देर से पहुंचती हूँ और 40 मिनट लेट होती हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो याद रखना मैं भी कुछ ऐसा कर दूंगी। मैं सबको बता दूंगी आप घर में क्या क्या करती हैं। अच्छा आइडिया है ना? अच्छा मुझे बताओ तुम क्या सुनना चाहती हो, मैं वही बोलूंगी। मॉम, मैं चाहती हूँ तुम्हें अच्छा महसूस हो, तो बोलो क्या बोल सकती हूँ मैं। मुझे नहीं पता। जब मैं उदास होती हूँ तो मैं ये करती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ और सोचने लगती हूँ, मैं खुद से बातें करती हूँ। दुनिया में हर इंसान उतना ही दुखी और मुश्किल में है जितना कि मैं हूँ, बस वो जताते नहीं हैं। कोशिश करो कभी, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। Good night.
Hey, क्या तुम लोगों को पता है अरविन किम कहाँ है? अपने फ्री टाइम में वो यहीं कहीं होता है। हाँ, वो अपने SF प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। SF क्या? The Student Film Festival। ठीक है। हाँ। SFF। हे मुझे होमवर्क के बारे में बात करनी थी। मुझे होमवर्क के बारे में बात नहीं करनी थी। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? बाकी बच्चों से तो तुम अच्छे ही हो। फैमिली के बारे में कभी बताया नहीं? आपको मेरी मॉम को डेट करना चाहिए। उनका जो लास्ट बॉयफ्रेंड था वो चीटर निकला, तो उस वजह से वो काफी काफी दुखी हैं। लड़के यही तो चाहते हैं, क्योंकि आखिर में लड़के भी तो यही चाहते हैं, मतलब हीरो बनना। हर कोई लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इंसान चाहता है। आपकी ज़िंदगी में कई लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन वो स्पेशल इंसान ज़रूरी है। लोग नर्वस होते हैं कि ओह नो, वो मुझसे अच्छा है। लोग ये क्यों नहीं समझते कि हर इंसान अपने आप में स्पेशल है। कॉन्फिडेंस चाहिए। कोई इंसान अगर कॉन्फिडेंट है तो वो सब जीत सकता है। ज़रूरी नहीं कॉन्फिडेंस असली हो, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पता है क्या, मैं आगे बढ़ती हूँ और असली वजह बताती हूँ। मैं आपके साथ लंच करूँगी आज। एक्चुअली बात यह है कि इस समय मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जनरेशन के सभी लोग बेवकूफ़ हैं। एक पल के लिए उनका फ़ोन ले लो तो उनकी मौत आ जाती है। इमोजीज के बिना उनसे बात नहीं होती। उन्हें लगता है कि दुनिया जानना चाहते हैं वो क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब कुछ भी करो यार। मुझे फ़ोन के पहले की दुनिया अच्छी लगती है। मुझे पुराने गाने, पुरानी मूवीज। 100 बात की 1 बात मुझे आज के ज़माने के लोग पसंद नहीं। मैं उनसे अलग हूँ और वो मुझसे अलग हैं। नदीन, मैक्स, हो सकता है तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। आप बहुत बुरे हो। शायद आपको कोई पसंद नहीं करता हो। आप खुद हमेशा खराब मूड में रहते हो। आप एक बहुत बुरे टीचर हो। आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको खुद पर गर्व महसूस होता हो। देखो खुद को जरा, मतलब देखो तो कैसे लगते हो आप। खुद के बाल देखो। बाल नहीं बनाते क्योंकि बाल है ही नहीं। आप टकले हो। आपको पता है अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि टकले आदमी खड़ूस होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, खासकर जब वो कुछ 1000 ही कमाते हो। मैं पिछले 23 साल से पढ़ा रहा हूँ और तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरे सैलरी को अंडर एस्टिमेट किया है। लेकिन सुनकर अच्छा लगा जो भी तुमने कहा। क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने कुकी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। क्यों? ताकि तुम्हें अच्छा लगे। जीजस, गेस व्हाट, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। इससे अच्छा लगा तुम्हें?
सच में मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ? मुझे लगा सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ देर पहले मैंने जो भी कहा, आई डिडंट मीन दैट। वैसे आप जिस तरह यहाँ स्टाइल करते हो, मतलब अच्छा अच्छा लगता है। ऐसे उठा देना, मतलब ऐसे अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तुमने अपनी गलती मानी और उसके लिए माफी मांगी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओ, वो अच्छा है, लेकिन हमारा असली कंपटीशन है उसके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची वो उतना पागल है। हे, तुम मुझे लंच के टाइम ढूंढ रही थी क्या? हाँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हेलो। सॉरी, मैंने फोन काट दिया, मैंने दवाई ली थी। एक मिनट, क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दवाई एज इन एंटी डिप्रेसेंट। डैड के डेथ के बाद मैंने लेना शुरू किया था। कम से कम एक महीने मैं यही खा रही थी। ये नॉर्मल है, लोग खाते हैं ये। ओह, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं पागल हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम एकदम परफेक्ट हो, सच में, सच कह रहा हूँ। हे, तुम्हारे यहाँ स्विमिंग पूल है क्या? हाँ। क्या मैं आकर स्विमिंग कर सकती हूँ? मुझे पता है मेरे यहाँ भी है, लेकिन मैं रिलैक्स्ड फील नहीं कर पाऊँ। हाँ, यहाँ आ सकती हो, हम साथ में स्विमिंग कर सकते हैं। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे मिलती हूँ फिर। ठीक है। यस, हे। वाओ अविन, ये पूल कितना बड़ा है। काश मेरे बाथटब में इतना गर्म पानी आता। तुमने पहले क्यों नहीं कहा तुम इतने अमीर हो? शायद मैंने कहा था, सबको बताता हूँ। क्या? तुमने ये भी नहीं कहा तुम फिल्म्स में ट्राई कर रहे हो? तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया अविन। शायद इसलिए क्योंकि तुमने कभी कहने का मौका नहीं दिया। क्या मैं इतना बोलती हूँ? ओह, अब मैं अंडर वाटर जा रही हूँ। गुड बाय। बाय। हे, थैंक्स मुझे यहाँ आने देने के लिए। अच्छा लगा तुम आई। क्या तुम मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हो? हाँ। मजाक कर रही हूँ, तुम्हें पता था ना मैं मूवी का सीन इनैक्ट कर रही थी। तुमने कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा है? मतलब देखो, वॉटरफॉल है, कितना रोमांटिक है सब। sure, कुछ। हाँ, सही कहा। आई एम सॉरी, मैं बस
जो भी हो। क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो गए? तुम गुस्सा नहीं हो सकते यार, कम ऑन। तुम एक आदमी को ऐसी चीजें नहीं बोल सकती। ओह आदमी, हाँ। अविन, यहाँ क्या कर रहे हो? ये बटन दबाने से क्या फूल मुझे खा जाएगा, बताओ? And this is payback time for what you put me through. You're a dickhead, everybody's said. I hope you like the song, so screw you. तो अपनी फिल्म के बारे में बताओ। अभी भी सोच ही रहा हूँ। मेरे ड्राइंग टीचर ने हमें एक एनिमेशन प्रोजेक्ट में एनरोल होने को कहा। ओह दैट्स कूल, मुझे नहीं पता था तुम ड्राइंग करते हो। क्या बनाते हो? जरा देखो ही नहीं। ओह डैम ओविन, ये अब तक खत्म नहीं किया है मैंने, बस शुरू ही किया है, बस ऐसे ही। ओ, मुझे मेरा फेवरेट स्केच मिल गया। वैसे मेरे पेरेंट्स को भी ये पसंद है। क्या सच में? नहीं नहीं, नहीं पसंद है। वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। वाओ, ये दोनों तुम ही हो, है ना? हाँ, मैं मल्टीफैसेटेड। रैड सेल्फ पोर्ट्रेट मैन, वाओ। यार अरविंद, तुम सच में कमाल हो। क्या तुम मेरे साथ सैटरडे चलोगी फिल्म देखने के लिए? सुबह जल्दी की मूवी होगी तो कन्वीनियंट भी होगा, तो उम्मीद करता हूँ हाँ बोलोगी। लेकिन सोच समझ कर जवाब दे सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम समय ले सकती हो अपना, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहता, तो जो भी है बता देना। हाँ मैं आना चाहूंगी। ओके। क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं? मैं उनके साथ बैठ जाऊंगी। मेरे पेरेंट्स 3 महीने के लिए कोरिया गए हैं, वो नहीं आएंगे। आर यू सीरियस? तो 3 महीनों के लिए तुम यहाँ अकेले रहोगे? हाँ। अच्छा, अब मैं समझ गई, बड़ा घर है, तुम बोर हो रहे होगे। पता है तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते हो कोई चोरी करे ताकि तुम होम अलोन जैसा कुछ करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, थैंक यू। मुझे सच में बहुत मजा आया। अच्छा फिर मिलेंगे। मैं बाहर नहीं निकल सकती, आप एक बार वहां जा सकती हैं? मैं वापस नहीं जा रही, हम यहाँ हैं। देखिए कुछ नहीं होगा, बस जाइए। मुझे 8:30 बजे काम पर पहुंचना है नैडीन। ओह माय गॉड, तुम वापस वही चीज कर रही हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। थैंक यू, आप बस यहाँ से होते हुए जा सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। मेरे बॉस बहुत गुस्सा होने वाले हैं, तुम मेरे साथ चलकर मेरे लिए बात करने वाली हो। तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? स्कूल का काम या कुछ? क्या मैं ये रख लूं? वो मुझे दे दो। मैं चाहती हूँ तुम अगले 8 घंटे यहाँ बैठी रहो, कुछ भी नहीं छुओगी और ना कोई शोर मचाओगी। ऐसे रहूं? मजा नहीं आया। मेरे पति को पता भी होता कि किस चीज को झेलना पड़ रहा है। अच्छा लगता है जब आप उन्हें अपना पति बोलती हैं। वो मेरे पति हैं,
आप भागकर दूसरी शादी कर सकती हैं, फिर वो मेरे डैड बन सकते हैं। कभी तो सोच समझकर बोला कीजिए ना। ठीक है, हम उनके बारे में अब कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बुरा लगता है, तकलीफ होती है उसके बारे में सोच सोच कर, पता है। ओ माई गॉड, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मुझे एक्चुअली बोर हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करने वाली थी। अच्छा, तुम्हें पता है? ओह, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लिख के रखने वाली हूँ, अब अगला क्या बोलने वाली है। मैं तुम्हारे किसी भी खेल का शिकार नहीं बनने वाली। नेडीन, कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, तुम्हें पता है एक चीज है जो तुम कभी गेस नहीं कर सकती। तुम्हारे डैड आज अगर होते तुम्हें ऐसा देख बहुत अपसेट हो जाते। तुमने मेरी चाबियां ले ली? नैडीन, गाड़ी को हाथ लगा दो, खबरदार, पुलिस बुला लूंगी मैं, पुलिस बुलाऊंगी। नैडीन, मैं आज बोलने वाली हूँ। आई लाइक यू, काफ़ी महीनों से कहना चाहती थी। हर पल बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, पता नहीं शायद आई लव यू। तुम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो पर सिंपल हो। मैं हम दोनों के बीच एक सोशल कनेक्ट फील करती हूँ, ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम हर जगह कपल की तरह घूमें। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हम साथ में फिर से पेटलैंड जा सकते हैं। नेठी, ओह माय गॉड, तुम सच में पागलों की तरह बर्ताव कर रही हो। तुम ये मैसेज नहीं भेज सकती। व्हाट? नो, ओह गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नो वे, नो, नो वे, नो वे। ये क्या कर दिया? ओह माय गॉड, अरे सुनिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन खुद को मार डालने का मन कर रहा है। तुम कॉम्प्लिकेटेड हो पर सिंपल हो। मैं हम दोनों के बीच एक स्पेशल कनेक्ट फील करती हूँ। कितना स्वीट मैसेज है, तुम बस ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं हर पल बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, बस तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर जगह हम कपल की तरह घूमें। वैसे लिखा था। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हम साथ में फिर से पेटलैंड जा सके। कुछ तो बोलिए। ओह माय गॉड, कुछ बोलिए प्लीज, हेल्प कीजिए। ये भेजने से पहले एक बार तो सोच लेती। क्या कुछ कर सकते हैं? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आप ही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। कम ऑन प्लीज, आप मुझे नहीं पता, उसका फोन ले लीजिए। मैं क्या क्या बोलूं, गॉड मुझे समझ आ रहा है। आप उसका कंप्यूटर ले लीजिए, उसका एड्रेस निकालिए, उसका फोन ले लीजिए, उसका एड्रेस निकालिए, मुझे दीजिए, मैं ही जाती हूँ। और मैं जाकर वहां पर नदीन, चलो फिफ्थ पीरियड ऑफ ले लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़े गाने सुन लो, कुछ खा लो, बस शांत हो जाओ, बस इतना करो। क्या उतना कर सकती हूँ? अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो, जैसे कि कुछ भी, मुझे कॉल करो। ठीक है? ओके।
डोंट वरी, थैंक यू, सब ठीक होगा। थैंक यू, मुझे पैसे दे दीजिए, कुछ खा लेती हूँ। चेंज लेकर देना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, इससे पहले मैं कभी इतना ह्यूमिलिएट नहीं हुई हूँ, मुझे यकीन नहीं होता। ओके नैडीन, प्लीज मेरा फोन उठाओ, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ। नैडीन, मैं खबरदार मेरा फोन काटा तो, जैसे ही घर पहुंचोगी मैं तुम्हारा फोन ले लूंगी। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही हूँ। गॉड, मदद कीजिए, मैं आपसे मदद मांग भी क्यों रही हूं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है आज तक। मैं जब भी आपसे मदद मांगती हूं आप बोलते हैं, ओह तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मैं हेल्प करता हूं, मैं पहले तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा। कौन हो तुम? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, माय गॉड, क्या सच में? ओह गॉड, क्या ये सच में है? ओह माय गॉड, शांत हो जाओ, रिलैक्स। अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। यार ये अच्छा नहीं, क्या पहनूं? उसे पता ही नहीं था कि बॉस उसकी सारी बातें सुन अच्छा, रहा था। ऐसी बात है। नहीं। एक मिनट, क्रिस्टा को उस दिन के बारे में बताना जरा। क्या, 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 आराम से बात कीजिए, क्या कह रही हैं आप? ओके माँ, तुम शांत हो जाओ। मैं हर चीज करूंगा ये जीतने के लिए, मैं बोल रहा हूँ ना, हम हर गेम जीत सकते हैं। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? काफी लंबी कहानी है। ठीक है, चलता चलो मिलते हैं। हे,
क्या हुआ? कोई बात नहीं। नहीं नहीं कुछ ठीक नहीं। नहीं तुम रुक जाओ, तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। थैंक्स। हे क्यूट हो। थैंक यू। एक्चुअली तुम भी हो। हाँ माँ, माँ क्या कर रही हो तुम? सब गुडविल में जाएगा, सब कुछ जो भी है हमारे पास सब जाएगा। माँ, माँ आप शांत हो जाओ प्लीज। ओके? नहीं, मैं इस बिहेवियर से तंग आ गई हूँ। ये सारा भी ए, 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 ये, ये क्या है? ये सब कुछ क्या है? मतलब क्या है ये सब? प्लीज प्लीज एक सेकंड के लिए रुक जाओ। अपना स्ट्रेटनर चालू रख कर गई। मेरी बात सुनो, घर चला डालेगी। एक सेकंड के लिए रुक जाओ, ये प्लीज जा रहा है। ओके ठीक है ठीक है ठीक। ये बैग मुझे दो, ये बैग मुझे दो। मेरा डिसीजन चलेगा, तुम्हारा नहीं। ऐसा है तो हर बार कॉल क्यों करते हो आप? ओह माय गॉड सही कहा तुमने, आई एम सॉरी। मेरे पास और कोई नहीं है, तुम ही एक हो। तुम क्या कर रहे हो? इसे मैं हैंडल करूंगा। वाओ, ये व्यू तो देखो कितना अमेजिंग है। क्या करना है, सब कुछ मुझे ही समझाना होगा क्या? देखो तुम्हें पता है क्या करना है। मुझे ये गाना पसंद है। बहुत अच्छा। यकीन नहीं होता कि ये हो रहा है। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ। यकीन नहीं होता हम सच में साथ हैं। ओह वाओ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता नहीं अगर मैं
उतारो इसे। मुझे मुझे नहीं पता, अगर मुझे ये हटो हटो यहाँ से, हटो ऊपर से, हटो। What the hell? मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा, कौन सा गाना था वो? याद नहीं मुझे, मैं गूगल कर लूंगी। क्या तुम मेरे साथ वॉक पर आना चाहोगे? या कोई मूवी वगैरह, या पूरी रात इसी तरह अपनी गाड़ी में शांत बैठना है? आर यू सीरियस? क्या हुआ? क्या अब तुम मेरी गाड़ी का भी मजाक उड़ाओगी? क्या नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि हम यहीं बैठेंगे। हाँ, क्या और कुछ नहीं? नहीं सच में मुझे तुम्हारी गाड़ी अच्छी लगती है। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ। रुक जाओ प्लीज, रुको। अब क्या? क्या? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब कि क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? बात करना चाहती हूँ, तुम्हें जानना चाहती हूँ, ये नहीं कि बस मिले और कुछ। उस दिन मैसेज में तुम्हें लिखा था कि तुम मेरे करीब आना चाहती हो पेटलैंड में, यू साइको। मैं यहाँ तुम्हें जानने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया ही क्यों? बेवकूफ हूँ मैं। मैंने अपने दोस्तों की सुनी क्यों नहीं? Come on. अब रोकर तुम साबित करना चाहती हो कि मैं ही खराब हूँ। तुमने मुझे मैसेज किया था। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम कभी ठीक ना हो उसके बाद। चलो चलते हैं। तुमने डोनट खरीदे हैं ना? नहीं। आपके घर में वो बच्चा क्या कर रहा है? ये अंदर कैसे आ गया? हेलो, ये मेरा बेटा टोबी है और ये है ग्रीन। हाय। मेरा बच्चा। मैं ठीक हूँ। तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाय।
अब तुम्हारी माँ का नंबर बताओ। कौन घर को गंदा कर रहा है? किसने घर को गंदा किया? मुझे बताओ यहाँ। ओ ओ ओ, टोबी के पैर गंदे हैं। घूरो मत, वो डर जाता है। कुछ लाओ और तुम्हारे लिए, आइसक्रीम या कुछ, क्योंकि मैं टॉबी को सुलाने जा रही हूँ। नहीं नहीं, उसे जो चाहिए रहेगा मैं उसे दे दूंगा, मुझे उसकी परवाह है। ठीक है ठीक है टॉबी बेटा, चलो सोने चलते हैं। बेबी बॉय। हाँ देखो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर जो कुछ भी है वो ठीक हो जाएगा। अभी हाल ही में समय मेरा भी आ रहा है, पर मैं खुश हूँ। यह उम्मीद की एक किरण। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। शायद तुम्हारे लिए है। चलो। नहीं, वो मेरी मॉम नहीं है, दरवाजा मत खोलिए। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी में बैठो, चलते हैं। नहीं, मॉम आने वाली नहीं थी। वो नहीं आ रही है, गाड़ी में बैठ जाओ। मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें पता है मैं पूरी रात क्या कर रहा था? मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ए, ए, तुम कार के अंदर बैठो। चलो, तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक है? क्या सब मुझे अच्छा लग रहा है? छोड़ो मेरा। कहाँ थी तुम? तुम एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठा सकती क्या? तुम ये ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब लोग देख रहे हैं? यार अब बस भी करो। ओह अच्छा, सच में? तो मुझे इसलिए घर ले जाने आए हो ताकि मॉम की नजरों में महान बनो, तुम्हारा यही काम है। उसे अपने हाल पे छोड़ दो। एरिन, एरियन, एरियन। hey, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो, हर चीज को लेकर सही हो। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ और अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई लव इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ की नजरों में हीरो बनना। हाँ, मैं जानबूझकर नजदीकी स्कूल में अप्लाई करता हूँ क्योंकि पता नहीं कि मैं नहीं रहूंगा तो घर का क्या होगा। एंड आई लव इट। और वो इकलौती ऐसी इंसान है जिसके साथ मैं बहुत सुकून महसूस करता हूँ। मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। सही कहा तुमने, सही कहा तुमने, मजा आता है मुझे, मैं मतलबी हूं। आप प्लीज इसे घर ड्रॉप कर सकते हैं? थैंक्स। देखो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कहूं, लेकिन इस वक्त हम दोनों को पता है कि कौन सही है और कौन गलत। तो मैं सीधे सीधे तुमसे बात करना चाहता हूं। गाड़ी से बाहर निकलो। बाय। सोमवार को मिलते हैं।
हे देखो, मैंने आज जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि पिछले कुछ सालों से, मुझे पता है तुम्हारे लिए भी आसान नहीं रहा। मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर की प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ हो रही हैं और मैं कुछ नहीं समझती। मैं खुद के बारे में ही सोचती हूँ। तुम्हें पता है, बचपन से मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया भर की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो रही हैं। मैं जिस तरह सबसे बात करती हूँ, मैं जैसे बर्ताव करती हूँ, मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे सुधारूं, मुझे नहीं पता। मुझे खुद से डर लगने लगा है। ये डर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे ये डर हटाना ही नहीं आता। आई एम सॉरी, सच में। गुड नाइट। सुनो नेडीन, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। हे। जल्दी उठ गई? हाँ, मुझे थोड़ा काम था एक्चुअली। ओह, हैव अ गुड डे। यू टू, हैव अ गुड डे बोथ ऑफ यू। अच्छा दिन जाए। थैंक यू। क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? ठीक है। वो काफी चेंज है, है ना? है ना, सच में अच्छा था। ये तो बहुत अच्छा है। नाडीन, सिट बैक, रिलैक्स, गेट रेडी टू एंजॉय द फिल्म। मैं एक मिनट आ जाऊं। थैंक्स। सॉरी।
तुम्हारी मूवी सच में अमेजिंग थी, खतरनाक। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास में एरविन स्क्रूप से। मैं सबके सामने बुलाना चाहूंगा मिस्टर किम, आपके फिल्म के बारे में कुछ बताएं। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। और ये आप ले सकते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। मेरे दोस्तों, किम्स की फिल्म थी। एक बार एक प्लेनेट होता है, उसका नाम रॉक सैटर्न होता है, जिस पर एलियन प्लेनेट हाई स्कूल होता है। वहां एक एलियन होता है जिसे किसी से प्यार होता है। ओवेन, वो वाह। मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी तारीफ नहीं करता। नहीं, बहुत अमेजिंग था सच में। ओह थैंक्स। और मैं सब समझ गई, वो कैरेक्टर मैं ही थी। फिर मैंने जाना तुम कितने अच्छे हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम सबसे अच्छे इंसान हो। क्या हुआ? फिल्म तुम्हारे बारे में नहीं थी। ओह गॉड, शूट। सॉरी, बाल कपड़े और जूते देखकर मुझे लगा। वाओ, मैं हमेशा ऐसा क्यों सोचती हूँ कि सब मेरे बारे में है? मैं मजाक कर रहा हूँ। पागल हूँ ना? हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने जानबूझकर ये कहा। तुम बहुत बुरे। यस, अच्छा लगा देखकर। कभी तो नर्वस होती हो तुम। मैं बस यहाँ खड़े होकर फूलों को ताड़ रहा हूँ। I hate you so much। चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ। क्या बात है, चलो फिर आ जाओ, इन्हें हाय बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं डूड, तुम्हारी मूवी सच में अमेजिंग थी। थैंक यू, कमाल का था। दोस्तों, ये है नेडीन। हाय हाय, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, थैंक्स। मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, सच में।